हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया था. अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसकी जो स्मॉल जो एब्रीवेटेड फॉर्म होती है वो होती है सी वी, इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेनियन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेनियन होती है, क्योंकि इसको हम लोग यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम लोग परसेंटेज में जो है एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेनियन है. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सी वी इज इक्वल्स टू एस ओ वाई बार मल्टीप्लाई बाय 100. ये हमारे पास सैंपल के लिए होता है, और सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर पॉपुलेशन, ये हमारे पास पॉपुलेशन के लिए होता है. अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है. अगर हमें कहे कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास y की वैल्यू से दी गई है और फ्रीक्वेंसी से दी गई है. अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है. हमें इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना होगा, और उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मीन क्या है. अब हमें मीन फाइंड आउट करेंगे. मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वाई बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ. क्योंकि हमारे पास, मैंने यहाँ पे f इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो उसके लिए जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? समेशन एफ वाई ओवर समेशन f. क्योंकि अगर सिंपल हमें मीन होता, फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को ना दी गई होती, तो हम लोग खाली समेशन y ओवर n लिखते, लेकिन हमें समेशन f फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे समेशन f y ओवर समेशन f लिखा है. अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ. मैं f और y को जो है मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, और मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाएगा वो जो है, मैं अपने कॉलम को कैलकुलेट कर लिया मैंने, 5 3 15 एंड 4 3 12, और इन सबको जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 48. और समेशन f, यानी f को प्लस करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 40, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा? हर टोटल. तो मैंने यहाँ अपनी वैल्यूज को पुट कर दूंगी. समेशन f y का आंसर क्या आ रहा है? 48, और समेशन f का आंसर क्या आ रहा है? 40. और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है y बार जो है मीन फाइंड आउट कर लिया है. अब मुझे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत है कि मैंने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है. मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन f y माइनस y बार का स्केयर ओवर n समेशन f, सॉरी. तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है. अब मैं इसके अंदर अपनी अब इस कॉलम को फाइंड आउट कर लूँगी. मुझे सबसे पहले तो यहाँ चाहिए y माइनस y बार. मेरे पास जो y बार है वो आया हुआ है 1.2, और y की वैल्यूज यही है. मैं y की वैल्यूज में से y बार को माइनस करूँगी तो मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा. तो आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाए. ये स्टूडेंट्स, मैंने अपना जो कॉलम है इसको फाइंड आउट कर लिया है. अब मैंने इस कॉलम को जो है अपने f के साथ, सबसे पहले तो मैंने अब इसका स्केयर ले लेना है. जब मैं इसका स्केयर लूँगी उसके बाद मैं जो स्केयर आएगा उसको f के साथ क्या है, मल्टीप्लाई कर लूँगी. ये मैंने इकट्ठा ही ये कॉलम बना लिया है, मैंने इसको सेपरेट नहीं किया, मैंने इसको इकट्ठा. आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास जो इस कॉलम का आंसर है वो ये आ गई हैं वैल्यूज़. आप भी इसको मेरे साथ कैलकुलेट करके देख लें कि क्या आपकी वैल्यूज़ भी यही आ रही हैं. अब जब मैं इसका टोटल लूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 68.4. स्टूडेंट्स, अब मैं इस अपने जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास समेशन एफ वाई माइनस वाई बार का होल स्केयर का जो आंसर है वो आ गया है. मेरे पास आ रहा है 68.4 ओवर समेशन एफ का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 40. तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये जो सॉल्व करके इसका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आया है 1.71, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.307. स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है फाइंड आउट कर लिया है. आप मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन. तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म आंसर क्या आ गया है? 1.307, और मीन मेरे पास क्या आ रहा है? 1.2, और जिसका आंसर जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.089. तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. अब मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को फाइंड आउट करना है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. अब मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किस तरह से फाइंड आउट करूँगी उसका फॉर्मूला भी क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. पहले ऊपर मैं आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. मेरे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये हमारे पास सैंपल के लिए होता है और ये हमारे पास पॉपुलेशन के लिए होता है। लेकिन ये डाटा हमारे पास सैंपल का था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एस वाला जो है फॉर्मूला इसमें यूज़ किया है, क्योंकि मैंने वाई बार यहाँ पर यूज़ किया था सैम्पल के लिए। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है वाई बार मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है वो आ रहा है 1.307 और वाई बार का आंसर मेरे पास क्या रहा था 1.2। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 108.92%, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो है परसेंटेज में जो है उसको डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज का जो है वो साइन निकाला है। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो अगली एग्जांपल है, इसमें से कहा है गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स फाइंड द कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब स्टूडेंट्स कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम लोगों को ये डाटा दे दिया गया है, इसमें n1 n2 n3 है, s1 s2 s3 है और y bar 1 y bar 2 और y bar 3 है। ये डाटा हम लोग को दे दिया गया है। अब हम लोग को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इस सबको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, इसके लिए हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को मीन की जरूरत होगी। तो अब हम लोगों को कंबाइंड मीन चाहिए। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है वाई बार सी इज इक्वल्स टू n1 वाई बार 1 प्लस n2 वाई बार 2 प्लस n3 वाई बार 3 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इसको जो है वो ज़रूर अच्छे तरीके से देखिएगा और पूरी वीडियो देखेगा ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, n1 y बार 1 प्लस n2 y बार 2 प्लस n3 y बार 3 ओवर n1 प्लस n2 n3, क्योंकि हम लोगों ने कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर दूंगी, मेरे पास n1 की वैल्यू क्या है 100 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी y बार 1 के साथ, वो मेरे पास है 12.6 प्लस n2 की वैल्यू मेरे पास है 120 और y बार 2 की वैल्यू है 15.8 इसी तरह प्लस, और इसके बाद मेरे पास n3 की वैल्यू है 150 और मेरे पास जो y बार 3 की वैल्यू है वो है 10.5 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी n1 n2 n3 के साथ। तो n1 मेरे पास है 100 प्लस 120 प्लस 150। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और जब मैं इसको पूरा कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.76। आप भी मेरे साथ इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपका भी आंसर 12.76 ही आ रहा है। आप मुझे मैंने तो अब कंबाइंड मीन जो है फाइंड आउट कर लिया है, अब मुझे कंबाइंड जो वेरियंस की ज़रूरत है और उसके बाद मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लूँगी। तो कंबाइंड वेरियंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एस स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर प्लस y बार 1 माइनस y बार c स्क्वायर प्लस n2। इसी तरह हम लोग अपनी बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह कर लेंगे, जहाँ पे s1 था वहाँ मैंने s2 लगा दिया और जहाँ y बार 1 था मैंने y बार 2 लगा दिया है, बाकी मैंने उसको y बार c के साथ ही माइनस किया है। प्लस इसी तरह से n3 है मेरे पास और यहाँ जाएगा s3 स्क्वायर प्लस y बार 3 माइनस y बार c का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल के पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती। अब मैंने ये जो है फॉर्मूला लिख दिया है, ये मेरे पास जो है कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ, मेरे पास n1 की वैल्यू है 100, उसके बाद मेरे पास s1 स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है, मैं s1 का जो है स्क्वायर ले लूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस y बार 1 में वैल्यू है 12.6 और मेरे पास जो y बार c है वो मेरे पास क्या है 12.76 और इसका मैं ले लूँगी स्क्वायर। प्लस n2 की वैल्यू मेरे पास है 120, s2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 4.2 का स्क्वायर प्लस y बार 2 की वैल्यू है 15.8 माइनस और मेरे पास y बार c की वैल्यू क्या आ रही थी 12.76 का स्क्वायर प्लस आप मेरे पास n3 की वैल्यू क्या आ रही है 150, s3 स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 3.7 का स्क्वायर प्लस y बार 3 मेरे पास आ रहा है 10.5 माइनस y बार c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 12.76 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसमें मैं n1 मेरे पास है 100 प्लस n2 है 120 और n3 मेरे पास है 150, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी, अगर अच्छा चाहे तो आप इसको लहता लहता सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। मेरे पास इस पूरी लाइन को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 6628.19। आप इसको चेक कर लीजिएगा और जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 370 स्टूडेंट्स, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.9140।
तो स्टूडेंट ये मेरे पास किसका है, ये मेरे पास कंबाइंड वेरियंस का आंसर आ गया है। अब मैं जब इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.23255। तो स्टूडेंट से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, कंबाइंड कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन। तो कंबाइंड कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एस सी ओवर वाई बार सी मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टूडेंट जब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करूँगी, मेरे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आंसर क्या आ रहा है, 4.23255 ओवर वाई बार सी का फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 12.76। और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33.17%, क्योंकि कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग हमेशा परसेंटेज में जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी फॉर्मूला की या किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये ICS का जो पार्ट वन की बुक है उसमें ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को अक्सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती और ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप इसको कोशिश करें तो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल के जो पेपर्स में जो है ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ये आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।